दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से आशी छाया पर। ये देखिए मैं अपनी डॉटर की शर्ट प्रेस कर रही हूँ, और बड़े बच्चों के छोटे बच्चों के किसी के भी अगर आप कपड़े प्रेस करते हैं तो कॉलर आपको हमेशा वैसे ही रखने, जैसे मैंने आपको पहले थ्योरी आपको बताई थी कॉलर के बारे में बताया था, आपको हमेशा कॉलर वैसे ही रखने हैं, कभी भी आप कॉलर को वैसे बंद मत कीजिएगा। और ये देखिए मैं छोटी शर्ट प्रेस कर रही हूँ, तो छोटी शर्ट हो या बड़ी शर्ट हो हमेशा आपको वही चीजें अपनानी है जो मैंने आपको पहले आपको बताई थी। और ये देख लीजिए ये आपकी हो गई शर्ट प्रेस। इसके बाद मैं आपको पैंट प्रेस करके बताऊंगी, क्योंकि उस दिन मैंने जो आपको पहले वीडियो जो दिया था उसमें मैंने आपको पैंट प्रेस करके नहीं दिखाई थी। और जब भी आप पैंट अगर आप जब धोते हैं और उसके बाद जब आप पैंट को सूखने के लिए डालते हैं तार पर, तो हमेशा आप नाड़े वाली तार पे डालें कपड़े। और दूसरी बात ये देखिए ये शर्ट प्रेस हो गई है, ये देख लीजिए आप, ये देखिए ठीक है शर्ट ये प्रेस हो चुकी है। और अब शर्ट के साथ ये देखिए पैंट हमेशा आपको ना ऐसे, ये देखिए आपको पैंट हमेशा उल्टा करके पैंट को सुखाना है। ये मैंने उल्टा करके पैंट को सुखाया था तार पर, ये देखिए हमेशा आप पैंट को उल्टा करके सुखाएं, क्योंकि फिर ना क्या होता है धूप वगैरह होती है तो फिर अगर आप सीधी करके सुखाएंगे तो पैंट का जो कलर है वो फेड हो जाता है धूप में, और अगर कोई निशान वगैरह भी पड़ जाते हैं, इसलिए सेफ रहती है अगर आप उल्टे करके पैंट को सुखाएंगे कपड़े सेफ रहेंगे। ये देखिए आपने पैंट को उल्टा ही, जब आपने सुखा लिया उसके बाद आप पैंट को ऐसे उल्टा ही रखेंगे, उल्टा रखने के बाद आपको सबसे पहले पॉकेट वाली साइड से हल्का हल्का आपको प्रेस करना है। ये देखिए इस तरीके से आपको बिल्कुल हल्का हल्का प्रेस करना है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये जो साइड है ना, इस साइड पे आपको प्रेस नहीं करना है, ज्यादा गर्म प्रेस आप बिल्कुल भी इस साइड पे ना लगाएं। इस तरीके से आप कपड़ों को आप प्रेस कर सकते हैं हल्का सा आपको, ये देखिए मेरी प्रेस ऑन है आप देख सकते हैं। और ये आप हल्का सा मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है स्टीम के लिए, ये आप देख सकते हैं ये मेरी फिलिप्स की प्रेस है। अब आप इसको क्या करेंगे, पॉकेट की साइड से प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, पैंट को आपको सीधा कर लेना है। हमारी पैंट हो गई है बिल्कुल सीधी, चाहे लेडीज पैंट हो चाहे जेंट्स पैंट हो, आपको हमेशा पैंट को उल्टा करके ही डालना है। और जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल आपको ऐसे ही प्रेस करनी है पैंट, ये देखिए हल्का सा आप ऐसे रखेंगे पैंट को, और ये देखिए यहां से आपने हल्का सा जिप वाली साइड पे जहां पे आपकी जिप होती है, जिप वाली साइड पे आपने हल्का सा प्रेस करना है। और इसको ऐसे पकड़ के पैंट को इस साइड से पकड़ के आपको हुक वाली साइड से ऐसे आपको फोल्ड कर देना, इतना देख लीजिए ठीक है। उसके बाद ये देखिए आपको ये जो क्रीज है ना, ये जो आप दिख रही है आपको क्रीज, इसको आपको ऐसे करके ऐसे आपको पकड़ लेना है, ऐसे ये ऐसे देखिए इस साइड कीजिए, ये देखिए ऐसे आपको पकड़ने के बाद, ये देख लीजिए आपको ऐसे कर, ये देखिए ऐसे रखने के बाद आपको इसके ऊपर ज्यादा गर्म प्रेस नहीं लगानी है, क्योंकि जो पैंट का जो कपड़ा होता है ये देखिए उस कपड़े के अकॉर्डिंग आपको करना है, क्योंकि ना टेरिकॉट वगैरह होता है ये कपड़ा, तो आपको इस पे गरम प्रेस नहीं लगानी है ठीक है। प्रेस को आप थोड़ा सा कम करेंगे, ये देखिए मैंने प्रेस को ही कम कर रही हूं मैं ठीक है। प्रेस को कम करने के बाद ये देखिए ऐसे इस तरीके से आपको पैंट को प्रेस करना है, जैसे आप इस साइड से जब कर लेंगे, इस साइड से जब आप कर लेंगे पैंट को प्रेस, तो आपको ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ ट्रिक कि आपको कैसे करनी है इन साइड से। ये देखिए आपने ऐसे प्रेस किया, और ज्यादा गर्म प्रेस नहीं करनी है आपको, हल्के हाथ से करनी है बिल्कुल, ये इस साइड से आपने ऐसे कर लिया कपड़े को फोल्ड, ये देखिए कपड़ा फोल्ड कर दिया आपने ऐसे ऊपर, ये ऐसे आपने फोल्ड किया, और इस साइड से ऐसे और ये ऐसे, इस तरह से आपको पैंट को प्रेस करना है, आराम आराम से बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, ज्यादा दबाव नहीं डालना। और पैंट को प्रेस करते वक्त हमेशा आपकी जो हीट है प्रेस की वो कम होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, फुल नहीं होनी चाहिए, ये देखिए फिर आप इसको ऐसे ऐसे कर देंगे फोल्ड,
बाद आप इस साइड से करेंगे, ये देखिए। इस साइड से करने के बाद आपने फिर वैसे ही करना है, क्योंकि हमें दूसरी साइड से भी हमारे को करना है प्रेस। ये देखिए, ये ऐसे किया, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऐसे किया, ठीक है। अब ये आपने ऐसे इस साइड से, ये देखिए, इस साइड से आपने किया ऐसे, और फिर इस साइड से ऐसे, बैक साइड से, ये देखिए। एक एक कोना आपका पैंट का प्रेस होगा, चाहे ये बच्चों की पैंट हो या बड़ों की पैंट हो, आपको यही तरीका अपनाना है पैंट को प्रेस करते वक्त। ट्राउजर, जब भी आप पैंट प्रेस करेंगे, चाहे वो ट्राउजर लेडीज हो या जेंट्स हो, तरीका यही रहेगा पैंट को प्रेस करने का। ये देखिए, इस तरीके से आप कपड़ों को प्रेस कीजिए, बहुत अच्छे से आपके कपड़े प्रेस होंगे। और आपको कपड़े डेली प्रेस करने हैं, आपको कपड़ों का ढेर नहीं लगाना, हमेशा आपको कपड़े डेली प्रेस करने हैं। ये देखिए आपने क्या किया इधर से, ये देखिए, ये मैंने ऐसे किया, यहाँ पे आपने हाथ रखना है इस साइड से, और ये ऐसे, ये देखिए हो गया। और अगर आप चाहें तो आप इसको हैंगर में टांग सकते हैं, चाहे तो आप इसको फोल्ड एक बार और करके इस तरह से आप फोल्ड कीजिए, और ये आपकी पैंट प्रेस हो गई। आप इस साइड से भी देख सकते हैं और इस साइड, ये देखिए, ये आपकी पैंट इस तरीके से प्रेस हो गई। ये है बेस्ट तरीका पैंट को प्रेस करने का। और इसी तरीके से आप कपड़े प्रेस कीजिए, छोटे बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, बिल्कुल इसी तरह से प्रेस होंगे, कोई आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। ये देखिए, ये जो अंदर का, ये ना इस साइड पे ना इलास्टिक टाइप का लगा हुआ होता है पैंट के इन साइड पे, इसके ऊपर कभी भी आप कोशिश ये करें गर्म प्रेस ना लगाएं। ये गर्म प्रेस लगने से क्या होगा, ये जो चीज है, ये बेल्ट खराब हो जाएगी अगर आप ज्यादा गर्म इसके ऊपर प्रेस लगाते हैं तो। हमेशा आप कपड़ों को इस तरीके से प्रेस करें। और आपको अगर ऐसे पैंट के ऊपर पैंट रखनी है तो आप इस तरीके से रख सकते हैं, और अगर आपको पैंट को हैंगर में टांगना है तो आप हैंगर में इस साइड से ऐसे करके भी टांग सकते हैं ऐसे, और इस साइड से भी आप हैंगर को टांग सकते हैं। ये देखिए, इस साइड से भी आप हैंगर में पैंट को ऐसे करके टांग सकते हैं और हाफ हाफ करके कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप रख सकते हैं। और अगर आपको पैंट को अलमारी में ऐसे रखना है तो आपका ये तरीका है पैंट को अलमारी में रखने का, ये तरीका है। इसके ऊपर आप पैंट के ऊपर पैंट आप रखिए, शर्ट के ऊपर शर्ट आप रखिए। शर्ट मैंने आपको बताया था कॉलर कैसे आपको कॉलर रखने हैं शर्ट के, ये देखिए आपको शर्ट के कॉलर इस तरीके से रखने हैं। ये है आपके कॉलर, ये देखिए इस तरीके से आपके कॉलर होने चाहिए। जब भी बच्चे बड़े कोई भी पहनेंगे उनको कॉलर बिल्कुल फ्रेश मिलेंगे, बिल्कुल डस्टी नहीं होंगे, क्रीज कॉलर की बिल्कुल परफेक्ट होगी। ये देख लीजिए, ये है तरीका कमीज और पैंट को प्रेस करने का, ठीक है। और किसी दिन आपको मैं जो भी, अगर आप कोई और चीज कहते हैं प्रेस करने के लिए, जैसे कुर्ता पजामा हो गया या आपका धोती कुर्ता हो गया, वो भी मैं आपको प्रेस करके दिखाऊंगी। अगर आपको कमेंट बॉक्स में, अगर आप चाहते हैं कोई और कपड़ा मैं प्रेस करके आपको दिखाऊं, लेडीज सूट हो गया या साड़ी हो गई, तो कमेंट बॉक्स में आप कहेंगे तो मैं जरूर आपको प्रेस करके वो भी दिखा दूंगी। क्योंकि आप चाहे तो बेडशीट भी आप प्रेस कर सकते हैं घर पे, वो भी बहुत आसानी तरीके से है, उसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, जैसे आपका दिल करे आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए और सबकी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच।